सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक ऑटोमेटिक कलेक्टर सिस्टम। तो मतलब इसमें होगा क्या कि देखो, जो जैसे कि मेरा फार्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा शुगर केन जो है वो एक ही जगह पर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी तुमने शुगर केन फार्म की चेस्ट लगा रखी है ना, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ शुगर के फार्म ही हो, गोल्ड फार्म भी हो सकता है, कोई सा भी फार्म हो सकता है, जहाँ पर भी तुमने चेस्ट लगा रखी है वहाँ तक डिक करना है बस। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं नीचे डिक करता जा रहा हूँ, कम से कम मैंने 4-5 ब्लॉक्स तक डिक कर लिया है। अभी देखो ये जो चेस्ट है ना, जो मेरी यहाँ कलेक्ट हो रही है, यहाँ तक मुझे ऐसे सबको खोल देना है जहां जहां मैंने डिक किया। यहां इसको इस तरफ से मैं खोल देता हूं, यहां थोड़ा मुझे डिक करना पड़ेगा। हाँ देखो, अब खुल गया, नीचे से चेस्ट दिख रही है मुझे। अब मैं इस तरफ से भी जाता हूं, इस तरफ वाली चेस्ट भी खोल देता हूं। रास्ता देखना पड़ेगा मुझे कहां से बन रहा है। ठीक है, ये रहा देखो, यहां से ये भी खुल गया, देखो ये भी खुल गया। तो तीनों चेस्ट का जो मुंह है वो खुल चुका है। अब हमें क्या करना है ना, यहां पे एक जगह क्लियर करनी है पहले, तो ठीक, ताकि अगर ढंग से जब जगह क्लियर हो जाएगी उसके बाद हम यहां मैकेनिज्म अंदर बना पाएंगे। और मैकेनिज्म के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए होंगी नॉर्मल रेल, उसके बाद हमें चाहिए होगी जो हमारी पावर ट्रेल होती है, उसके बाद कुछ रेडस्टोन टॉर्चेस चाहिए होंगे, और दो से लेके आप पाँच तक कितनी माइनकार्ट विद चेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको चाहिए होंगे चेस्ट आपकी मर्जी के हिसाब से, अगर आपका फार्म बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है तो आप बहुत सारी चेस्ट ले सकते हैं। मेरा फार्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन मैं उसको यूज़ भी उतनी तेज़ी से कर लेता हूँ, इसलिए मैं इतनी नहीं कर रहा। मेरे बहुत सारे विलेजर मास्टर के बन चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना है ना, ये जो चेस्ट हैं इनमें हॉपर लगाना। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ हॉपर, मैं दिखाता हूँ। पहले थोड़ी सी मैं जगह क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रेल मैकेनिज्म बनाना है, तो मुझे रेल भी बनानी है। अभी मुझे एक लेयर और नीचे खोदनी पड़ेगी, क्योंकि रेल जो है वो नीचे से आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे पहले तोड़ देते हैं, यहाँ से जो हमारा कॉबलस्टोन है इसे तोड़ देते हैं यहाँ से। ओके, ये भी तोड़ देते हैं पीछे वाला। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर कॉबलस्टोन वापस लगा देंगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, इसलिए हम, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हॉपर होगा ना वो हमारा माइनकार्ट विद चेस्ट में सारा का सारा सामान डालता रहेगा, और वो एक दूसरी चेस्ट में कलेक्ट होती रहेगी। देखो इस चेस्ट की, इस ब्लॉक की तरफ फेस करता हुआ हमें हॉपर लगा देना है। हॉपर लग गया, अब यहाँ से तुम ये ब्लॉक तोड़ दो। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि ये उस तरफ जाना है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है, जो हॉपर होंगे हमारे उसको उस तरफ की फेस कर देना है। पहले एक ब्लॉक लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हॉपर लगा देते हैं यहाँ से, एक दो, दोनों हॉपर उस तरफ को फेस कर रहे हैं, ये भी हो गया। अब इस ब्लॉक को हम यहाँ से तोड़ देते हैं। अब सेम चीज़ हमें तीसरी साइड के लिए भी करना पड़ेगा। कुछ लोग चार का बनाते हैं, वो लोग चारों साइड के लिए कर सकते हैं ऐसा। अभी मैं दिखाता हूँ कि हमें करना क्या है। मैं पहले सामान थोड़ा सेग्रीगेट कर लूँ। ओके, अरे यार ये ट्रेडर, मतलब यार ये इतने सारे आ जाते हैं ना, ये जो ट्रेडर होते हैं, मतलब बहुत सारे आ जाते हैं जब भी मैं कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा होता हूँ। तो देखते हैं लेकिन ये क्या दे रहा है। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर लामा पड़े हुए हैं। स्लाइम बॉल दे रहा है 4 एमरल्ड में, भाई इतना महंगा। एक एमरल्ड में ब्राउन डाई दे रहा है 3। यार मेरे बगल में है यार पूरी की पूरी जंगल वायो, मैं वहाँ से लेके आ सकता हूँ। किसका बनता है ये, चौको कह रहा हूँ, कोको बीन्स का। मज़ा नहीं आया यार, इसने अच्छी डील नहीं दी। तो ऐसा करते कि हम अपना फार्म वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अभी तक यहाँ पे इसको छोड़ा था, अब मुझे क्या करना है ना, यहाँ से ऐसे डिक करना शुरू करना है जैसे मैं डिक करता जा रहा हूँ, ताकि जो हमारा लेवल है हॉपर का वो मैच हो जाए, ग्राउंड का लेवल और हॉपर का लेवल मैच हो जाए। इसे भी तोड़ देते हैं। और क्या है, और सेम चीज़ हमें हर साइड के लिए करनी है, पूरा ऐसे डिक करते चले जाना है, पूरा ही डिक कर दो, 2 लेयर, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। बस यही प्रॉब्लम है यार एफिशिएंसी 5 की, जो लोग एफिशिएंसी 5 वाली शवल यूज़ करते हैं वो जानते होंगे, कई बार इतनी सारी चीज़ें डिक हो जाती कि अब देखो ये एक साइड खाली छूट चुकी है। यहाँ पे भी हमें हॉपर लगाने हैं, मैं लगाता हूँ अभी हॉपर यहाँ पे भी। पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक्स लगा देता हूँ ऐसे, उसके बाद हमें ये ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये ब्लॉक मैंने यहाँ से तोड़ दिया है, और ये भी तोड़ना पड़ेगा। यार इसमें होता ही है ना कि मैं इस चीज़ से डर रहा हूँ कि जो ऊपर पानी होता है ना, जैसे तुमने देखा होगा कि जो पानी फ्लो के लिए हम बनाते हैं जिस, ताकि हमारे शुगर के नुक सके, वो ना नीचे टूट के गिरने लग जाए। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि तुम्हारे जो ब्लॉक्स हैं वो तुम सही तरीके से तोड़ रहे हो या नहीं। अब हमें हॉपर लगाने हैं, फिर एक हॉपर मैंने ऐसे ही लगा दिया, इसको मैं तोड़ दूंगा टेम्प्रेरी। उसके साइड सामने मैंने 2 और लगा दिए हैं उसकी तरफ फेस करते हुए। अब इसे तोड़ देते हैं जो टेम्प्रेरी वाला है। देखो इसमें शुगर केन भरना भी शुरू हो गया था, भाई इतना शुगर केन मिलता है ना इन फार्म से कि पूछो मत। और 1.18 में भी बहुत बढ़िया काम करते हैं ये। यार इस ट्रेडर ने फिर परेशान कर दिया, ये बिल्ड लेके अपनी घोड़े लेके घूम रहा है यहाँ से वहाँ। वैसे लामा है इसके पास, घोड़े नहीं है। अब हमें वापस से जो मैंने बोला था आपको एक लेवल नीचे और डिक करना है, वो कर देना है फटाफट से। तो ये हो गया, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जो भी हमारा ये है जैसे ख़राब हो गया, इसको भर देते हैं, और अब हमें रेल्स बिछानी शुरू करनी है। अब रेल्स बिछाने में यार बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि मैं क्या करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ भी हमारे मोड़ आ रहे हैं ना, जैसे ये मोड़ है, तो इस मोड़ में तो हम सिर्फ नॉर्मल रेल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो जो स्ट्रेट पार्ट है वहाँ पे हम पावर ट्रेल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ, पहले मैं पूरी की पूरी रेल्स जो है वो बिछाता रहता हूँ।
अब जैसे यहाँ पे मुझे घुमाना पड़ेगा तो मैं रेल का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो सीधा सीधा है तो मैं यहाँ पे पावर ड्रिल लगा देता हूँ, ये घुमाना पड़ेगा, यहाँ पे रेल लगेगी। उसके बाद यहाँ पावर ड्रिल, पावर ड्रिल, पावर ड्रिल, यहाँ भी पावर ड्रिल लगा देते हैं क्योंकि सीधा सीधा चल रहा है। फिर यहाँ नॉर्मल रेल लगानी पड़ेगी, यहाँ भी नॉर्मल रेल लगेगी, और ये घुमाना पड़ेगा यहाँ से। ओके अब मुझे ये तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको और तोड़ना पड़ सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम ऊपर से पूरा भर देंगे और पता भी नहीं चलेगा कि नीचे ऐसा मैकेनिज्म है। बहुत ही बढ़िया ये मैकेनिज्म है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट होकर वापस एक ही जगह पे मिलती है तुम लोगों को, चाहे तुम्हारे पास कितने सारे फार्म्स क्यों ना हो। मुझे ये ब्लॉक्स यहाँ से मैं अपना बनाऊंगा कलेक्शन सिस्टम, तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह खाली कर देता हूँ। ओके तो ये हमारा बन गया। मुझे यहाँ से रेल्स को लेकर कनेक्ट करना है आपस में, तो बस कनेक्शन तो यार ऐसे ही नॉर्मल सा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं कनेक्ट करना। अभी मैं पहले रेल्स से टेम्प्रेरी कनेक्शन कर रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें बता दूँगा कि इसमें चेंज क्या करना है। ओके थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो और थोड़ा थोड़ा सीधा हो, ताकि हमें रेल्स भी कम लगानी पड़े और हमारी जो माइनकार्ट विद चेस्ट होगी वो आराम से पहुँच जाए वहाँ तक बिना किसी बीच में रुकावट के। तो देखो इसमें जो जो भी स्ट्रेट पार्ट है ना उसको हम रिप्लेस कर देंगे पावर ड्रिल से। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट पार्ट है, इसको हम पावर ड्रिल से रिप्लेस कर देंगे। फटाफट से पावर ड्रिल निकालता हूँ। और कहाँ कहाँ, ये पूरा स्ट्रेट पार्ट ही है, ये भी पूरा स्ट्रेट पार्ट है, इसको भी पावर ड्रिल से रिप्लेस कर देंगे। अब इससे होगा ये कि हमारी जो माइनकार्ट है ना उसको बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी, और हमें वही चाहिए यार, हमारे को चाहिए कि जल्दी जल्दी हमारी चेस्ट भरती चली जाए। और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। ये भी तोड़ देते हैं, ये भी स्ट्रेट है। ऐसे करके तुम भी ये कर सकते हो कि तुम पहले टेम्प्रेरी बिछा दो पूरी रेल्स का, फिर जहाँ जहाँ भी तुम्हें स्ट्रेट दिख रहा है वहाँ पावर ड्रिल, इससे तुम्हारा काम काफ़ी तेज़ी से होगा। और बस उसके बाद तुम्हें सिर्फ टॉर्चेस लगानी है। ये भी स्ट्रेट ही है, इसको भी तोड़ ही देते हैं यार। ओके तो ये हमारा बन चुका है, अब हमें लगानी है अपनी रेडस्टोन टॉर्चेस। और हमारी बिल्ड जो है वो पूरी हो चुकी है, बस अब हमें इसे ऊपर से कवर करना है टॉर्चेस लगाने के बाद। अरे यार स्क्रॉल हो जाता है कभी कभी गलती से। एक टॉर्च यहाँ लग गई, एक टॉर्च हमें यहाँ लगानी है, और एक टॉर्च हमें यहाँ लगानी है, यहाँ पे भी लगा देते हैं। बस ये मस्त चीज़ है पावर ड्रिल की कि जो टॉर्चेस हैं वो एक से ही 6-7 पावर्ड हो जाती हैं एक बारी में ही। एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ, दोनों पावर हो गई इससे, एक यहाँ, बहुत ही बढ़िया। और हमारा ये पूरा बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, बस कलेक्शन सिस्टम बनाना है यहाँ पर। तो कलेक्शन सिस्टम बनाने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा ये जो, हाँ देखो इसको मैंने थोड़ा साफ़ सुथरा कर दिया है, अब अच्छा लग रहा है देखने में। और मुझे चाहिए चेस्ट। अब यार मैं ऐसा करता हूँ कि ये मैंने दो चेस्ट फालतू में लगा रखी, इसको तोड़ देता हूँ यहाँ पे, इसमें से काफ़ी सारा वो निकलने वाला है। हाँ मुझे लगा ही था। ओके तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे डाल देता हूँ, ये दो चेस्ट यहाँ लगाएंगे हम, और दो चेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे खुद की। मैं ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि दो दो चेस्ट से खामखा सामान जाएगा, उससे अच्छा एक ही चेस्ट में रखे सामान। ओके मैं जो भी सामान बाहर गिरा उसको अंदर डाल देते हैं। देखो काफ़ी सारा अभी बस मुझे करते करते इतना सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो गई, सब कुछ अंदर डाल देते हैं, इससे तुम्हारे बहुत सारे विलेजर्स मैक्स के हो जाएंगे। तो अब हम बना रहे कनेक्शन सिस्टम। तो कलेक्शन सिस्टम के लिए सबसे पहले, अरे यार बस यही दिक्कत है एफिशिएंसी 5 की, हमें क्या करना है ना कि दो रेल्स यहाँ पे से मैंने तोड़ दिए, अब मुझे लगाने हैं हॉपर, और हॉपर मुझे लगाने हैं आगे की तरफ फेस करते हुए, ऐसे एक आगे एक आगे। अब ऐसी सेम चीज़ मुझे करनी है आगे भी, और पहले मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ ज़रा शिफ्ट दबा के। ओके हमारी रेल पावर हो गई है। उसके बाद इसे चेस्ट को मैं तोड़ देता हूँ, चेस्ट हम लगाएंगे नीचे एक जगह, और ये तोड़ देते हैं पहले। अरे 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 वो भी टूट गया। ओके ठीक है ये हो गया। अब मुझे लगाना है यहाँ पे हॉपर, माइनकार्ट मैंने रख दिया है इसमें, ठीक है हॉपर भी लग गए। अब यहाँ पे नीचे लगा देंगे चेस्ट, और हमारा पूरा का पूरा ये बन के अब तैयार हो चुका है, बस अभी मैंने इसे कवर करना है ऊपर से। मैंने थोड़ा बहुत ऊपर से कवर कर दिया है, देखते हैं ज़रा फटाफट से चेस्ट लगा देते हैं यहाँ पे। ओके तो चेस्ट भी हमारी लग चुकी है। एक माइनकार्ट विद हॉपर से काम नहीं चलेगा यार, नहीं सॉरी ये है माइनकार्ट विद चेस्ट। हाँ माइनकार्ट विद चेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, माइनकार्ट विद हॉपर मत लगाना। ओके इसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं, और मुझे यहाँ पे एक और छोड़नी पड़ेगी, तो मैं अभी लेके आता हूँ फटाफट से घर जाके। और अभी हम इसको छोड़ देते हैं, 22 हैं अभी इसमें, देखते हैं काम कर रहा है। हाँ देखो 24 हो गए, ये काम कर रहा है काम कर रहा है। अब तुम देखो अगर इसमें हमें एक सेकेंड में 24 मतलब दो मिल रहे हैं, तो अगर हम दो डाल देंगे तो हमें एक सेकेंड में 4 मिलेंगे। तो बस हमें वही चाहिए कि हमें स्पीड बढ़ानी है, बाकी तुम ज़्यादा भी डाल सकते हो, बस एक दूसरे से लड़े ना आएंगे, बस ये दिक्कत है, वरना लैग होता है गेम, FPS ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है ये हो गया। अब ठीक है देखो काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है यार, ये देखो कितनी तेज़ तेज़ चल रहा है सब कुछ।
अब मैं 20 मिनट तक यार वो हो चुका हूँ, एफ के नहीं हुआ हूँ, बस यहाँ पे मैं अपना काम निपटा रहा था, थोड़ा जंगल बायोम में गया था चीज़ें इकट्ठा करने, और 20 मिनट के बाद अब देखते हैं कि इसमें रिजल्ट्स कैसे हैं। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि हमें 20 मिनट में क्या क्या मिला। मैं बैम्बू इकट्ठा करके आया था जंगल बायोम से। ओ भाई 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 भाई, 1, 2, 3, 4, 4, 9, 36 अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 36 स्टैक्स हो चुके हैं शुगर केन के, सिर्फ 20 मिनट में आया यार ये। अब तुम देखो कितना गजब का कलेक्शन सिस्टम है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं लाता रहूँगा ऐसी अमेजिंग वीडियोज़।